हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बटन चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन चॉप्स बनाने की रेसिपी। ये है स्पाइसी मटन चॉप्स जो बहुत ही डिलिशियस बनती है और बहुत ही सिंपल इजी है इसको घर पर बनाना। पर अगर आपको ये रेसिपी देखने के बाद रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से दीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा पैक ले लिया जिसमें ये 7 से 8 मटन चॉप्स है मेरे पास, तो कुछ इस तरीके से हैं ये। इसको पहले मैंने अच्छे से धो लिया है और उसके बाद तेल गरम कर लिया है 2 टेबलस्पून के करीब, जिसमें डाल दिए हैं 3 से 4 फाइनली चॉप किए हुए लहसुन की कलियाँ। तो ये जो मटन चॉप्स हैं इसको हिंदी में हम चापे भी बोलते हैं। तो ये जो चाप है अब मैंने सारी डाल दी हैं अच्छे से वॉश करके, और इसको स्टर फ्राई करेंगे लहसुन के साथ ताकि अच्छा सा फ्लेवर इंड्यूस हो जाए इनमें। तो ये मटन चॉप्स को बेसिकली एक तरीके से पका रही हूँ पहले मैं, जिससे कि कच्चापन बिल्कुल ना रहे जब हम इसको पैन ग्रिल करें। तो अब इसके अंदर मैंने 1/2 कप दही डाल दिए और उसके अंदर डाल दिया है नमक, और बस दही में इसको अब पका लेंगे हम। तो आप चाहे तो इसके लिए प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल इसी तरीके से करके बस आप एक विसल लगा के और उसको स्टीम में ही छोड़ दें तो ये बिल्कुल टेंडर हो जाएंगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो बस मैंने यहाँ पर ढक्कन ढक दिया है और इसको लो फ्लेम पर अब मैं पकने दूंगी जब तक कि कम्प्लीटली हमारा जो मीट है पक नहीं जाता। करीब 10-12 मिनट लग जाएंगे इस प्रोसेस में। अब मसाला प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, साथ साथ 1 चम्मच ये भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। मैं यहाँ पर डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून हॉट चिली सॉस, साथ साथ 1 से 1.5 टीस्पून आप इसमें डाल दें केचप, और इनको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है जो हमने ये एक तरीके का पेस्ट तैयार करा है। तो ये हमारा पेस्ट बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं चेक करते हैं अपनी जो चापे हैं कि वो कम्प्लीटली पक गई हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं अभी इसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ दही है, तो मैं दही लो फ्लेम पे इसको इसलिए पका रही हूँ ताकि जो कम्प्लीटली मीट हमारा जो है वो बिल्कुल पक जाए, बिल्कुल टेंडर हो जाए, तभी मज़ा आएगा चापों का, तभी थोड़ी जूसी रहती है ये। तो इसको लो फ्लेम पे कुक कर रही हूँ मैं ताकि बाद में जब इसको खाएं तो बिल्कुल ड्राई ना लगे ये। तो बस इसको इस तरीके से फिर से मैंने ढक दिया है क्योंकि मीट कम्प्लीटली पका नहीं था। और जब हमारा ये मटन पूरा अच्छे से पक गया है, आप थोड़ा सा पीस निकाल कर चेक कर सकते हैं, तो इसको आपको निकाल लेना है एक सेपरेट बाउल में। और मैं इसमें अब दे रही हूँ, इंड्यूस कर रही हूँ स्मोकी फ्लेवर, ये जला हुआ कोयला रख के इस तरीके से, कोई भी एल्युमिनियम फॉइल ले उसमें ये जला हुआ कोयला दे के और हल्का सा इसके ऊपर ऑयल डाल के ढककर मैं इसको 10-15 मिनट तक रख दूंगी ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर इंड्यूस हो जाए। तो बस उसके बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और अब जो है हमें बस ये कोट करनी है सारी जो हमने पेस्ट तैयार करा है उससे। तो अच्छी तरीके से मसाज कर देंगे ताकि फ्लेवर भी इंड्यूस हो जाए और साथ साथ रंग भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत बढ़िया लगती है दिखने में जब अच्छी सी डार्क कलर होता है इनका। तो बस सारे पेस्ट को अच्छे से सारी चापों पे हमें लगा देना है और इसको 5-10 मिनट के लिए उसके बाद इसी तरीके से हम छोड़ देंगे। तो अच्छे से आपको कोट कर देना है सारी चापों पर ये पेस्ट, और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गई है मसाला कोट करके। और इसको 5-10 मिनट तक के लिए मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया था मसाले में कोटेड। और अब मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है, इसके ऊपर जो ऑयल मैंने पहले इस्तेमाल करा था वही ऑयल का इस्तेमाल कर लिया है मैंने दोबारा, और अब बस इसको हम इस तरीके से ग्रिल पैन पे लगा देंगे। फ्लेम बहुत तेज़ नहीं रखें आप, नहीं तो एकदम से बहुत डार्क कोटिंग, डार्क कलर के स्पॉट्स आने लग जाएंगे जो फिर बाद में बर्नट थोड़ा सा लुक देता है जो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएं दोनों साइड्स को अच्छी तरीके से उलट पलट करके, क्योंकि हम चाप को पहले पका चुके हैं, यही रीज़न है चापों को पहले पकाने का कि बाद में वो अंडर कुक ना रहे। तो बस एक टोंग की मदद से मैं चापों को उलट पलट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं बढ़िया से डार्क अच्छे स्पॉट्स आने लग गए हैं इस पर ब्राउन कलर के, ऐसा ही हमको चाहिए ये। और अच्छे से कम्प्लीटली दोनों साइड्स को हम इसी तरीके से पका लेंगे।
तो ये देखिए मैंने कम्प्लीटली इनको पका लिया, और आप देख सकते हैं पकाने से भी इसके ऊपर अच्छा डार्क कलर आ जाता है। एक तो जो हमने मसाले की कोटिंग करी है इस पर उससे कलर आता है इसमें, और फिर जब आप इसको कुक कर लेते हैं तो अच्छे डार्क ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं इसके ऊपर, जो अच्छा सा इसको बिल्कुल डार्क सा लुक देते हैं, जो देखने में ही इतना टेम्पटिंग है और खाने में तो है ही बढ़िया। सिंपल सी ये मसाला चॉप्स हैं जो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, और इसको मैं आप कर रही हूँ गर्मा गर्म सर्व। तो सर्व करने का इसको एक बढ़िया सा तरीका ये है कि जो बोन पार्ट है चॉप्स का उसको आप इस तरीके से फॉइल से कवर कर दें, जिससे क्या होता है कि एक तो देखने में बिल्कुल बढ़िया सा लुक आ जाता है इसका, लगता ही नहीं है कि आपने घर में प्रिपेयर करा है इनको। आप देख सकते हैं कितना प्रेजेंटेबल सा लुक है, साथ साथ बहुत ही हैंडी है इस तरीके से इसको उठाकर खाना, और लास्ट की ये बिल्कुल मैसी नहीं है इस तरीके से इसको सर्व करना। तो बस गर्मा गर्म इस तरीके से इसको करें सर्व और इंजॉय करें कोई भी पार्टी गेट टुगेदर की, डेफिनेटली आपकी शान बढ़ा सकता है। ये ऐसी डिश है डेफिनेटली आपको देख के ऐसे ही लग रहा होगा कि कोई रेस्टोरेंट से ऑर्डर करा हुआ एपेटाइज़र है, ये घर में बना हुआ तो कोई भी इसको नहीं मानेगा जब आप इसको करेंगे सर्व। सो ये थी बहुत ही सिंपल मज़ेदार सी स्पाइसी मटन चॉप्स, जिसको घर पर बनाना कितना सिंपल है ये आपने देख ही लिया है, और साथ साथ इतनी डिलीशियस सी रेसिपी एज एन एपेटाइज़र सर्व कीजिए, एज अ स्नैक खाइए या कभी भी बनाइए, आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। फाइनल टचेस दे रही हूँ मैं, इसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा चाट मसाला और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस, और बस ये हमारा लग गया इसमें देसी तड़का, बिल्कुल रेडी है ये। अब आप इसे बनाइए, ज़रूर से बताइए लिखकर कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आने वाली है, ट्राई करेंगे तो ज़रूर से लिखकर बताइएगा, और दिखाती हूँ आपको कि कितनी अंदर से जूसी रहती है ये। मैं लेती हूँ एक बाइट, ये देखिए एकदम बढ़िया जूसी चॉप्स जो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा, और बनाने में कितनी सिंपल। ट्राई दिस रेसिपी आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।